नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ इस समय दो मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, एक बीत चुकी है और एक आ चुकी है। ये है नई R15 और ये इसका वर्जन 3 है। मेरे साथ मतलब जो बीत चुकी बाइक वो है। मैं क्या करके बताने वाला हूं, एक कंपैरिजन कर रहा हूं इन दोनों के साथ में कि क्या क्या चीज़ें बदली हैं। आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा जब आप खरीदने की सोचेंगे R15 B4 कि क्या क्या अब बदल चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं इन दोनों मोटरसाइकिलों में अब क्या क्या डिफरेंस है, पहले क्या मिलता था नहीं मिलता है और अब क्या मिल गया है जो उसमें नहीं मिलता था, सब कुछ जान लेते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं डिजाइन की। तो डिजाइन में आपको अब ये इस तरीके से बाई LED हेडलैम्प मिल जाता है जो कि प्रोजेक्टर के साथ आता है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसमें आपको मिलने वाला है। और ये फेयरिंग आप जो देख रहे हैं ये थोड़ा सा और ज्यादा लीन हो गई है। क्यों? एरोडायनेमिक को दुरुस्त करने के लिए ये पीछे के साइड में जाएगी। और यहाँ पर आपको जो जो चेंजेस मिलने वाले हैं वो सब दिख जाएंगे। यहाँ पर R15 की कहीं बैजिंग नहीं दिख रही है, ये B4 है, नॉर्मल वाला M नहीं है। और यहाँ पर आपको अगर मडगार्ड देखेंगे तो यहाँ पर यामा की आपको बैजिंग मिल जाती है। इस तरीके से थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ है और ये नगीने का काम कर रहे हैं। ये देखेंगे यहाँ ABS का साथ ABS लिखा हुआ है, ये दिख जाएगा। अब इसमें USD दे दिया गया है, अपसाइड डाउन फोर्स गोल्डन कलर का मिल जाता है और 282mm का ये डिस्क मिल जाता है। और ये इसके अलॉय का पैटर्न है। जो इसमें टायर प्रोफाइल दिया गया है वो है 180/17 का। और अब यही पार्ट आपको दिखाता हूँ जो बीत चुकी है R15 यानी कि पुरानी R15 में, B3 में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती थी। तो अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा ऊपर के साइड में लगेगा। अगर ये वाला पार्ट देखेंगे वाइजर थोड़ा जाता हुआ और यहाँ पर R15 की बैजिंग इस तरीके से ग्राफिक के रूप में दी गई थी और हेडलैम्प थोड़ा अलग अंदाज में दिया गया था। हालांकि ख़राब नहीं था बट अब चेंज हो गया है, स्लीक हो गया है, पहले थोड़ा सा बड़ा था। तो इस तरीके का पूरा ये फेयरिंग यहाँ पर सामने आते हुए दिख जाता है। और इसमें फेयरिंग को अब इस तरीके से कुछ क्रमबद्ध कर दिया गया है। साथ ही जब इसमें पुराने वाले इस R15 को देखेंगे तो इसका जो टायर प्रोफाइल है सामने वाला 180/17 का ही है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, डिस्क में भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये आपको टेलीस्कोपिंग नॉर्मल वाला आपको सस्पेंशन यहाँ पर मिलता था। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें बदली हुई मिलने वाली हैं। और ये ड्यूअल चैनल ABS मोटरसाइकिल है और ये भी ड्यूअल चैनल हुआ करती थी, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। अब आपको ये सारी चीज़ें दिख गई हैं। अब ले चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें बदली हैं इसमें नहीं। मैं तो सबसे पहले पुराना देख लेते हैं। तो पुराने को अगर आप देखेंगे यहाँ पर देख लिए क्या क्या चीज़ें मिलती थी, तो यही पूरी फेयरिंग मिल जाती है। हालांकि यहाँ पर वाल्व यहाँ पर लिखा गया है, ये वाला जो डिफाइन किया गया है ये अब पुरानी वाली नई वाली मोटरसाइकिल में कहाँ लिख गया है, यहाँ पर लिख दिया गया है। तो वहाँ से उठाकर उसे यहाँ पर रख दिया गया है, इस फेयरिंग पर दे दिया गया पीछे वाले साइड में। अब दिखाता हूँ यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये अगर आप फेयरिंग देखेंगे तो काफ़ी बड़ा इस्तेमाल इसमें किया गया है, ग्राफिक का काफ़ी इस्तेमाल है इसमें। लेकिन नई वाली मोटरसाइकिल में आपको ग्राफिक का उतना इस्तेमाल नहीं मिलता है। आप देख लीजिए, आपको सीधी सिंपल सरल डिज़ाइन मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा ग्राफिक नहीं लगाए गए हैं। सिर्फ आपको ये वर्जन 4.0 R15 का एक ये चेंज इस पर मिलने वाला है। तो ये आपको साफ सुथरा डिज़ाइन यहाँ तक मिल जाता है। इंजन की बात करें तो आपको बता दूं, ये जो R15 है V3, इसमें आपको 155 cc का इंजन मिलता है जो कि 18.6 PS की शक्ति देता है। और ये जो नई वाली मोटरसाइकिल है ये 18.4, मतलब 0.2 का फर्क मिलने वाला है। टॉर्क की बात करें तो ये 14.2 Nm का टॉर्क देती थी और एक घट गया है इसमें, 14.1 हो चुका है। क्यों हुआ है इस बाद में देखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा मेरे राइडिंग रिव्यू का, वहां पे भी कंपेरिजन टेस्ट इसका बनेगा और जरूर आपको करके दिखाएंगे। साथ में अगर आपको और चेंजेस देखने हैं तो आपको बहुत ज्यादा बारीकी से देखना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। वही राइडर फुटपैक मिल जाता है जिस तरीके से मिलता है, इसका भी स्टाइल वही है ब्रेकिंग वाला। लेकिन आपको जो चेंज मिलने वाला है तो ये थोड़ा सा आपको इस पर चेंज मिल जाता है नई वाली में, हालांकि इस पर भी एल्यूमिनियम का आपको फिनिश मिलता है, उस पर थोड़ा सा सिंपल मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर दो आपको डिज़ाइन मिलते हैं। और उसके एग्जॉस्ट की बात करें तो आपको दिखा देता हूँ, इसका एग्जॉस्ट थोड़ा सा आपको छोटा मिलेगा और थोड़ा अपस्वेप्ट हो गया है ऊपर की तरफ से, तो ये इस तरीके का आपको डिज़ाइन मिलेगा। हालांकि डिज़ाइन में वो ज़्यादा बेहतर लग रही है, अभी कंक्लूजन में बताता हूँ मैं कि आपको क्या बेहतर लग रहा है। अगर रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर जो मिल रही चीज़ें, तो यहाँ पर आपको LED टेल लैंप मिल जाता है और ये बढ़िया से आपको यही, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं मिलने वाला है। तो ये इस वाले पार्ट में आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, चेंज मिलेगा इस डिज़ाइन में हल्का सा जो कि काफ़ी स्लीक हो चुका है। तो मतलब बहुत धारदार डिज़ाइन इसमें दे दी गई है इसको और बेहतर बनाने के लिए। नई वाली में यहाँ पर आपको टेल लैंप बाहर निकलता हुआ नहीं दिख रहा है,
पुरानी वाली में ये थोड़ा सा बाहर निकल जाता था, तो डिज़ाइन पार्ट में ये काम किया है इसमें। अगर व्हील प्रोफाइल की बात करें तो आपको इसमें जो टायर मिल रहा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। इंजन की आवाज़ भी सुनाऊंगा तो धैर्य रखिएगा। तो यहाँ पर 140/70 R17 का ये रियर व्हील रियर टायर मिलता है, तो इसका प्रोफाइल है और ये बहुत अच्छा सा, मतलब ये अलॉय मुझे पसंद था और उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है हल्का हुआ होगा इसका सबका जो हमने जब हम एक्सपीरियंस करेंगे वहाँ पर जिक्र करेंगे। लेकिन इसमें भी आपको 220mm का रियर में डिस्क मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, पूरा सब कुछ कुछ चेंज नज़र नहीं आने वाला है और वही आपको कुछ यहाँ पर ऐसे ही इसी अंदाज में ये सब कुछ मिल जाते हैं। और अगर स्प्लिट सीट की बात करें तो इसमें भी आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला है, लगता है कि उसी सीट को उसमें दे दिया गया है। तो इसमें डिज़ाइन वाइज आपको कोई फ़र्क नहीं मिलने वाला है। फ़र्क कहाँ मिलेगा और दिखा देता हूँ, तो सबसे पहले इसका मीटर देख लेते हैं। तो इसके मीटर को देखने के लिए से पहले मैं आपको टैंक दिखा देता हूँ। तो टैंक में आपको थोड़ा सा अलग डिज़ाइन, एक इस तरह से आपको ये ज़्यादा स्लीक लग रही है, ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, स्लीक नहीं बोलेंगे, ज़्यादा हैवी लग रहा है, आक्रामक लग रहा है। लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर एक डिज़ाइन जो ये पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है ये मुझे बहुत पसंद था, जो कि अब नए वाले में आपको नहीं मिलने वाला है। तो नए वाला अंदाज़ देखिए, आपको सिंपल मतलब सिंपलिसिटी के फॉर्मूले को इन लोगों ने निभाने की और दिखाने की कोशिश की है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि भैया जिम गई है और होके आ गई तो थोड़ा सा फिट हो गई है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ आपको मिलने वाली है। तो अब देख लेते हैं पहले इसका डिजिटल, आपको इसका डिजिटल मीटर दिखाता हूँ। अगर चल गया, पुरानी बाइक थी खड़ी थी यहाँ पे, यस, तो ये अभी इस तरीके का एकदम नॉर्मल आपको मिल जाता है, कनेक्टेड नहीं था और इस तरीके से इसमें दिया गया है और ये पूरी तरीके से आपको उसमें चेंज मिलने वाला नए वाले में। तो नए वाले को देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इसको खड़ी करते हैं, स्टार्ट भी करेंगे दोनों बाइक को, आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें इसमें और मिलती हैं। तो आपने वो देखा और यहाँ पर आपको ये भी जिम होके आ गया है, तो मतलब ये वाला बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिया गया है और ये कनेक्टेड है यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट ऐप के साथ में। आपको मैसेज अलर्ट, कॉल अलर्ट, ईमेल अलर्ट जैसी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, बाकी चीज़ों का जिक्र करेंगे अपने रिव्यू में। तो ये एक अलग अंदाज वाली मोटरसाइकिल आपको अच्छी लगेगी। यहाँ पर आपको जो फिनिशिंग मिलेगी क्योंकि SD दिया गया है, तो ये एल्यूमिनियम फिनिशिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। अगर हैंडल की बात करें तो यहाँ पर आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है वैसे जैसे उसमें मिलता है। तो उसका हैंडल देख लेते हैं, इसका आप ऑलरेडी देख भी चुके हो, तो सबसे पहले इसको देखते हैं और फिर सुनाते हैं आवाज़। लेकिन आवाज़ सुनाने से पहले बैठ के भी दिखाते हैं कि राइडिंग पोजिशन किसकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हजार्ड लाइट का स्विच नहीं आता था, अब हजार्ड लाइट का स्विच इस R15 में मिल गया है और R15 में भी क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है। हॉर्न ये वाला है और उसका भी हॉर्न पहले सुन देते हैं जिससे अंदाजा लग जाए कि हॉर्न के आवाज़ में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं। तो यस, हॉर्न बदला है, ये ज़्यादा शार्प लग रहा है और बहुत अच्छे से कानों में आ रहा है, मुझे लगता दूर तक इसकी आवाज़ जाएगी। अब बारी बैठने की, तो सबसे पहले बैठते हैं पुरानी वाले R15 पर और दिखाते हैं कि भैया मैं कितना कंफर्टेबल हूँ इस पे। तो मुझे ये वाली राइडिंग पोजीशन मिल रही है, सच बताऊँ मैं अब भी इस पे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और मैं अपना ये ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ लेकिन आपको अपने राइडिंग रिव्यू में बताऊँगा, इसका मैं चर्चा करूँगा कि मुझे क्यों अच्छी लगी है ये। अब क्या करता हूँ, उस पर आप देख चुके ऑलरेडी मैं कैसे बैठा था और अब मैं इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। तो आइडल कंडीशन में किस तरीके से इसकी आवाज़, और अब थोड़ा रोर कर देते हैं, तो ये आवाज थी पुरानी R15 यानी कि B3 की। अब सुन लेते हैं इसके साथ ही नई वाली R15, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि भैया चेंज क्या हुआ है। तो बैठते हैं इस पे और आवाज बिखेरते हैं। आइडल कंडीशन और थोड़ा रोर करते हैं इसे, तो ये थी इसकी आवाज। और आपको बता दूं आवाज और अंदाज से बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते हैं दोनों मोटरसाइकिलों को, लेकिन अगर आक्रामकता देखेंगे तो पुरानी R15 अभी भी रोड प्रेजेंस के मामले में इससे ज्यादा आक्रामक दिखती है। लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे भैया जिम होके आ गई है तो थोड़ा सा फिट हो गई है, तो अभी R15 फिट हो चुकी है। इन सब चीजों का जिक्र किया जाएगा अपने राइडिंग रिव्यू में, इंतजार करिएगा, बहुत जल्द इसका राइडिंग रिव्यू आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, फिर भी मुझसे कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर चले, मेरा इंस्टाग्राम है amit.dwivedi, सवाल करें सारे जवाब ले जाएं। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा।